पानी चढ़ाने का जो मोटर होता है ना उसमें वाइब्स आएंगे, इसमें नहीं आते हैं. सो दैट इज देयर. इलेक्ट्रिक का जो रेवोल्यूशन है गाइस वो अपने देश को काफ़ी तेजी से कैचअप कर रहा है, एंड ये कैचअप करने में एक कंपनी का योगदान बहुत ज़्यादा है, दैट इज प्योर ईवी. सो इसका वेलकम बैक टू वेडअप चैनल, इट्स मी नीतीश नियो. व्हाट्सअप, कैसे हो, कैसा का है, एंड नमस्कार हे गिदीरा. मैं हूँ नीतीश नियो, ये है ई ट्रांस नियो. आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों का डायलॉग जो है सुना सुना सा लग रहा है. वाई? बिकॉज इसके पीछे एक राज है, आपको बता देता हूँ कुछ ही देर में. सो इसका आज हम करेंगे ये जो ई ट्रांस नियो है इसका वॉक अराउंड करेंगे, एक छोटा सा राइड एक्सपीरियंस करेंगे, एंड आपको बता देंगे कि गाड़ी कैसी है. सो इसका अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन डू सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो. लेट्स गो टूवर्ड्स द स्कूटर एंड एक्सप्लोर करते हैं इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को. सो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्कूटर में आपको मिलती है 6 कलर्स, दैट इज रेड, ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, वाइट एंड ग्रे. आपको इतने कलर्स आपको मिल जाते हैं. साथ में हम लोग दूसरी बात आपको ये बताना था कि गाड़ी में क्या चेंजेस हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गाड़ी का जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इंडिया के रोड्स आपको पता ही है काफ़ी प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए. एंड दूसरी बात पता क्या हुआ है इज़ दैट कि गाड़ी का जो सीट है ये अभी लंबा हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज पहले क्या था ना, थोड़ा छोटा था सीट, अभी क्या कर दिया गया कि ताकि राइडर और पिजन दोनों जो होते हैं काफ़ी कंफर्टेबली इस स्कूटर के ऊपर बैठकर मस्त अपना राइड कर सके. एंड तीसरी बात जो मेजर चेंज है दैट इज़ हियर इज अ सरप्राइज, दैट इज अ डिक्की. गाड़ी का जो डिक्की है, पहले क्या था बैटरी यहाँ पे बैठ जाता था, अभी क्या है ना बैटरी अंदर जा चुका है, बिकॉज ऑफ विच ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का इंक्रीज हो चुका है. एंड साथ में यहाँ पे डिक्की आपको मौजूद हो चुका है, यहाँ पे आप आपका हेलमेट या कोई भी आपका राशन होता है आप यहाँ पे रख सकते हो. सो दीज आर द चेंजेस दैट वी हैव विद द स्कूटर. सो स्टार्टिंग विद द फ्रंट गाइस, यहाँ पे आपको मिलता है 10 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है विद सीआर टायर. सो हियर 90/100 का टायर मिलता है यहाँ पे, एंड द डिस्क इज देयर, यू हैव अ फ्रंट डिस्क ऑन द स्कूटर. एंड सामने जो है आपको मिलते हैं कैलिपर्स जो है प्योर ईवी के, आपको ब्रांडिंग के कैलिपर्स मिलते हैं. सामने का जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ओवर हियर विच इज अ प्रीटी गुड थिंग. एंड सामने जो हेडलाइट है दिस इज ऑलरेडी एलईडी हेडलाइट ओवर हियर, एंड इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं बल्ब इंडिकेटर्स. देन व्हाट डू वी हैव हियर ऑन द साइड एज अ ब्यूटिफुल ई ट्रांस नियो बैजिंग, यहाँ पे भी ई ट्रांस नियो का है. नियो जो है ग्रीनिश नियोन कलर में बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत. एंड देन लेट्स लुक एट द रियर. तो ऑन द रियर आपको मिलता है काफ़ी खूबसूरत सा एक, मतलब काफ़ी बड़ा ग्रैब हैंडल मिलता है. अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पे बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस इंस्टिलिंग होगा बिकॉज काफ़ी मोटा है यहाँ पे, सो दे कैन होल्ड ऑन टू इट वेरी कंफर्टेबली. एंड यहाँ पे आपको मिलता है पीछे का जो व्हील है, दिस इज अगेन 10 इंच अलॉय, एंड द टायर्स आर फ्रॉम सीएट. आपको पता है सीएट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. एंड साथ में पीछे आपको मिलते हैं ट्विन सस्पेंशंस, तो सस्पेंशन जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलता है विच इज़ प्रेटी गुड. एंड देन वी हैव टू टेल, तो यहाँ पे आपको मिलता है एलईडी के टेल लाइट मिलता है, काफ़ी खूबसूरत सा टेल लाइट है यहाँ पे, लुक्स मोर लाइक ऑफ ऑडी और मर्सिडीज. एक एक डिज़ाइन का ब्रांडिंग जो है ऐसे किया गया है यहाँ पे. द इंडिकेटर्स बल्ब इंडिकेटर्स ओवर हियर, एंड लेट्स सी. ओके, यू गेट फूड पैक्स ऑन द रियर, तो आपको फूड पैक्स मिल जाते हैं. एंड ओके गो टूवर्ड्स हैंडल बार्स, तो हैंडल बार्स में आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 मोड्स, 1, 2, 3 मोड्स. यू गेट इस पी बटन, पी मतलब पार्किंग या स्टार्ट बटन में बोल सकता हूँ. एंड यहाँ पे आपको मिलता है गाड़ी का जो हेडलाइट एडजस्टमेंट है, हाई बीम जो भी आप यहाँ से कर सकते हो. यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न, यहाँ पे भी आपको मिलता है हॉर्न, यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर. एंड देन यू हैव दिस ब्यूटीफुल डिस्प्ले, आपको एक बार डिस्प्ले को ऑन करके दिखाई देता हूँ मैं राइट अवे. तो दिस इज द डिस्प्ले मैन, लुक्स ब्यूटीफुल. डिजाइन में थोड़ा बस फिकर हो रहा होगा कैमरा में, बिकॉज कैमरा में मतलब कैप्चर होना थोड़ा हमेशा डिफिकल्ट रहता है इन चीज़ों का. तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बैटरी कितना बचा है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्योर ईवी का ब्रांडिंग. देन यू हैव 1, 2, 3 मोड्स, तो मोड 1, 2, 3 यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ मोड्स को. देन वी कैन सी द पार्किंग, बिकॉज अभी गाड़ी पार्किंग मोड में है, उसको हटा दिया तो 0-0 हो गया, मतलब गाड़ी राइड मोड में आ चुका है. एंड देन यू हैव द ओडोमीटर ओवर हियर. एंड देन आपको मिलता है हाई बीम जो बीम का जो सिंबल है आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ अ टेलटेल लाइट. एंड देन यू कैन ऑल्सो सी द इंडिकेटर का लाइट जो है आप गाड़ी का यहाँ पे देख सकते हो. सो नो व्हाट विल डू इज, आपको बता देता हूँ गाड़ी की जो मोड्स है, मोड्स का क्या फ़ायदा है, मतलब मोड्स जो है आपको 3 मोड मिलती है. मोड नंबर 1 जो है उसका आपको टॉप स्पीड मिलता है 40 km/h, लेकिन उसमें आपको मिलता है रेंज ऑफ 120 km. मोड नंबर 2 जो है उसमें आपको टॉप स्पीड मिलता है 50 km/h, एंड उसका जो रेंज आपको मिलता है 100 km का आपको रेंज मिलता है. एंड मोड नंबर 3 जो है दैट इज़ द मैक्स टॉप स्पीड मोड, वेर यू गेट 60 km/h का स्पीड आपको मिलेगा टॉप स्पीड में. एंड गाड़ी का जो रेंज है थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज़ इट्स अराउंड 90 km का आपको रेंज मिल जाएगा, मतलब दैट्स व्हाट राइट. पावर जितना इंक्रीज होगा उतना थोड़ा जो रेंज है वो नीचे गिरेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी
वी हैव हियर विद रिस्पेक्ट टू दैट. एंड देन वन मोर चेंज इज दैट कि गाड़ी का जो हैंडल बार से काफ़ी अभी प्रीमियम से लग रहा है मुझे. लुक्स रियली गुड मैन, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे. आई डोंट नो, आई थिंक प्रीवियस मॉडल में भी सिमिलर था लेकिन ये काफ़ी मुझे बेटर लग रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन सी. प्योर ईवी का यहाँ पे, प्योर का ब्रांडिंग है यहाँ पे. एंड देन व्हाट डू वी, इसमें आपको मिलता है 2.5 किलोवाट आर का अल्ट्रा परफॉर्मेंस सेल आपको मिल जाता है. एंड साथ में, एंड इसका अबाउट चार्जिंग हम लोग बात करते हैं, चार्जिंग जो इट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 4 आवर्स टू चार्ज दिस बैटरी. एंड दिस इज बाय द वे इट्स अ प्योर लिथियम का बैटरी आपको मिल जाता है. साथ में गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम है. अगर आपको घर में जाके देखिए, जब आपको चार्जिंग करना है तो ये वायर हटाना होगा आपको. उससे पहले आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा. ऑफ करके आपको ये वायर हटा दीजिए, इसको पिकअप कीजिए, घर में जाकर देखे जाके वहाँ पर चार्ज कर दीजिए. फिर इसको अगर आपको बाहर खड़े खड़े आपको चार्ज करना है बैटरी अंदर रखे हुए, देन यू हैव टू कीप इट ऑन, देन ये क्लोज करके यहाँ पे जाके इस सॉकेट में आप डाल के चार्जिंग कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव विथ रिस्पेक्ट टू चार्जिंग. एंड गाड़ी में आपको क्या है कि गाड़ी का जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है 150 kg का लोड बेरिंग कैपेसिटी, विच इज़ फैंटास्टिक. मतलब इसका मतलब है कि दो लोग आराम से गाड़ी पे बैठ सकते हैं, नॉर्मल लोग, एंड साथ में कुछ सामान भी कैरी कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड अगर आप सिटी में रहते हो, अगर आपको बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है या मार्केट में जाके कुछ शॉपिंग करना है, अब परफेक्ट स्कूटर आई वुड से. साथ में दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको दो पॉकेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं टू कीप समथिंग दैट यू हैव. अगर आपको वाटर बॉटल रखना है या आपका फोन रखना है, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द की नाउ. गाड़ी के जो आपको कीज जो है गाइस, की मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 कीज, मतलब यू गेट 4 कीज एंड 2 रिमोट, मतलब आपको मिलते हैं 2 रिमोट्स आपको मिल जाते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक मैन. कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करता, 4 की कौन देता है. मतलब खो गया, इनको पता है कि मतलब लोग इंडिया में खोएंगे तो ये सोच के ही मतलब की दिया है कंपनी ने. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो आपको बता देता हूँ गाड़ी का जो की का एडवांटेज आपको बता देता हूँ. गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया है अभी एंड चाबी जो है मेरे हाथ में है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज गाड़ी को लॉक करके रख देता हूँ, ठीक है. अगर बाय चांस कोई आया एंड गाड़ी को चोरी करने की कोशिश में है तो आई शो यू गाइस. मतलब गाड़ी घुमा देता हूँ चक्कों को, देख रहे हो आप. गाड़ी जो है जब तक मैं ऑफ नहीं करूँगा तब तक ये साउंड करता रहेगा. दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट. कोई भी अगर चोरी कर रहा है तो वो डर जाएगा कि गाड़ी चोरी होने वाला है. एंड यस गाइस, ये बात करते हुए लेट्स नाउ गो टूवर्ड्स द राइड टेस्ट ऑफ द स्कूटर. सो यस गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू e-trans न्यू अपडेटेड वर्जन. तो गाड़ी को शुरू करते हैं. शुरू करने से आपको क्या करना होता है, गाड़ी को अनलॉक करना है. तो अनलॉक के जो बटन मैंने दबा दिया, गाड़ी अनलॉक हो गया. लेट्स स्टार्ट द स्कूटर राइट अवे. तो गाड़ी स्टार्ट. तो अभी क्या करते हैं, गाड़ी को शुरू करते हैं. शुरू करने आपको क्या करना होता है, गाड़ी को पी दबाना होता है. शुरू करते हैं स्कूटर को राइट अवे. ओ नाइस. इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो टॉर्क होता है हमेशा काफ़ी बेहतरीन रहता है. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कम्प्लीटली ओवर हियर. सो फर्स्ट मोड वी आर गोइंग एट अराउंड 35-36 किलोमीटर्स पर आर. 40 तो आराम से पहुंच जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा इंक्लाइन में हूं. तो व्हाट आई डू इज लेट्स गो स्ट्रेट. हो दिस नाइस मैन, आई एम लाइकिंग इट बाय द वे. चलो पहुँच जाएगा गाड़ी आराम से. एंड ये फर्स्ट मोड में है. नाउ लेट्स टेक इट द सेकेंड मोड. इट डिपेंड्स ऑन द वेट. मेरा जो वेट है ऑलमोस्ट 88 kgs है. तो सेकेंड मोड में अपन डालते हैं गाड़ी को. हो सेकेंड मोड का ना, जैसे आप डालेंगे ना मोड को तो आपको फील हो जाएगा, काफ़ी डिफरेंट से फील होगा. लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार ये. मतलब मुझे नहीं लगा था कितना स्मूथ होगा गाड़ी. वाओ मैन, दिस इज़ वेरी गुड. सस्पेंशन हैव गॉटन वेरी वेरी बेटर नाउ. मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है. काफ़ी मतलब परफेक्ट फॉर सिटी यूसेज हो चुका है, मैं बोल सकता हूँ आपको स्ट्रेट अवे. एंड अभी मुझे डालना है थर्ड मोड में. तो थर्ड मोड गया गाड़ी, ऊपर जाएगा अभी. क्या खींचती है यार गाड़ी. मतलब टॉर्क जो होती है ना गाड़ी का, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है मुझे व्हेन यू आर राइडिंग अ इलेक्ट्रिक स्कूटर. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो अभी मैं क्या करूँगा, गाड़ी को राइट डालूंगा. इंडिकेटर डालते हैं यहाँ पे. सही यार. मज़ा आ गया मुझे गाड़ी चलाते हुए. तो अभी हम डालते हैं थर्ड मोड में अपन है. तो लेट्स सी कितना गाड़ी खींच पाएगा ये मेरे वेट को 88 केजीस पकड़ते हुए. ओ हो 55-56 और जाएगा 60 तो आराम से टच करेगा गाड़ी. लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है टच करने के लिए. क्या करें, जब जब मैं आता तब तब ट्रैफिक बन जाता है. इट इज़ नॉट फेयर मैन, नॉट फेयर. सो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी के जो ब्रेक्स है दे आर काफ़ी स्पॉट ऑन है. फ्रंट आपको मिलते हैं डिस्क, यू कैन सी द बाइट ओवर हियर.
घर चमारती है एंड सस्पेंशन जो है मस्त डाइव इन करते हैं, विच मीन्स सस्पेंशन आर वेरी वेरी गुड ऑन द स्कूटर। एंड रियर जो है यू हैव अ ड्रम ब्रेक ऑन द रियर, तो ड्रम डज इट्स डिसेंट जॉब। द फ्रंट इज मच बाइटियर दैन द रियर, ये काफ़ी मुझे सही लगा। एंड ऑफकोर्स यू हैव टू यूज़ द फ्रंट ब्रेक्स व्हेनेवर यूजिंग इन द सिटी। रियर को मतलब 30% यूज़ कीजिए, फ्रंट को 70% रेशियो में आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट रहेगा नो मैटर विच स्कूटर इट इज़, विच बाइक इट इज़। एंड ये बात करते हुए लेट्स गो स्ट्रेट नाउ। द हॉर्न इज प्रीटी डिसेंट, अच्छा खासा काम कर देता है हॉर्न। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज लाइक लेट्स गो अहेड। ओके, आर देयर एनी वाइब्स? अगर वाइब्स होते तो मुझे बहुत मतलब यू नो लोग हंसना शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ ICE, दिस इज नॉट अ ICE इंजन, दिस इज अ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वाइब्स लिटरली ख़त्म है, पानी चढ़ाने का जो मोटर होता है ना उसमें वाइब्स आएंगे, इसमें नहीं आते, सो दैट इज़ देयर। दूसरी बात ये कि गाइस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है, बिना अपने पैर को नीचे रखे हुए मैं क्या करूँगा गाड़ी को यहाँ पे छोटे से छोटे जगह में ट्राई करूँगा टर्न करने के लिए। ओहो क्या बात है, काफ़ी ईजी टर्न कर देती है गाड़ी, एंड दैट इज़ द फन पार्ट मैन। ओहो सो तो सीटिंग पोजीशन जो है मेरा काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं, काफ़ी अपराइट बैठा हूँ मैं, और बैठने के बाद भी पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा है इस बार ऑन दिस न्यू स्कूटर, न्यू अपडेटेड ई-ट्रांस नियो। एंड साथ में गाड़ी के जो मतलब मेरा जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी कंफर्टेबल, मैं बैक जो है स्ट्रेट बैठा हुआ है, मेरे जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबली हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड मिरर्स जो है गुड मैन, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, मतलब इनफैक्ट दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन दीज अपडेट्स। एंड मिरर्स के जो पीछे का जो विजिबिलिटी है, फील्ड ऑफ व्यू है, हैज़ इंक्रीज्ड मल्टी फोल्ड में बोल सकते हो, काफ़ी बेटर हो चुका है गाड़ी। एंड सामने का जो LCD डिस्प्ले है, दिस लुक्स ब्यूटिफुल, दिस लुक्स विजिबल, काफ़ी क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, इनफैक्ट आई कैन से। एंड सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, आई एम लाइकिंग इट मैन, द एक्चुअली स्पॉट ऑन इज़ व्हाट आई फील, मतलब कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करा है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के गाड़ी को बनाया है, इज़ व्हाट आई फील। एंड नाउ आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया है, अभी आपको बताता हूँ सर्विस इंटरवल्स क्या है गाड़ी का। सर्विस इंटरवल जो आपको मिलती है, 4 फ्री सर्विस मिलते हैं, टोटल 4 फ्री सर्विस आपको मिल जाते हैं। एंड फ्री सर्विस में बात यह है कि गाड़ी का फर्स्ट सर्विस जो है 1200 किलोमीटर्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड फ्री सर्विस होता है 4,500 से 4,500 है। थर्ड जो है 8K to 8.5K। एंड फोर्थ जो है 12,000 से 12,500 किलोमीटर्स तक आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द 4 फ्री सर्विस दैट यू गेट, एंड उतने इंटरव्यू को करना चाहिए, करना ज़रूरी भी है, ताकि आपका जो गाड़ी का जो यू नो गाड़ी जो है मेंटेन रहेगी एंड अच्छी रहेगी फॉर अ लॉन्ग रन। सो इतना सबको मैंने बता दिया है। बैटरी चार्जिंग टाइम जो है ऑलमोस्ट 4 घंटे का अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, विच इज़ अ गुड थिंग। सो इतना सब कुछ मैंने बता दिया, अभी हम बात करते हैं मुद्दे की बात, शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट। क्वेश्चन सिंपल है गाइज, अगर आपकी बजट जो है मतलब इनफैक्ट दिस प्रॉब्ली इज़ द यू नो मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज 94K एंड यू डोंट हैव लिटरली कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है। पेट्रोल का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 110 रुपये पहुँच चुका है यहाँ पे इन महाराष्ट्र, 109 रुपये है, विच इज़ अ बिग डील फॉर यू नो टू अफोर्ड मैं बोल सकता हूँ। तो इफ़ यू लुक एट दैट देन आई वुड से कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन बन जाती है। एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये एक अच्छी कॉम्पिटिटर है एंड अ वेरी गुड यू नो स्कूटर टू बाय आई वुड से। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो पता क्या करना होता है, हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो, एज यूजुअल आई लाइक टू एंड दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम।